मूसलाधार बारिश में जैसे तैसे रिक्शे वाले ने भीगते हुए नीता और उसकी सास को घर तक पहुंचाया। नीता की बिटिया उसकी गोदी में थी और बेटा अमन अखिल के साथ मोटरसाइकिल पर आ गया था। सभी भीग चुके थे। वे घर के अंदर पहुंचकर कपड़े बदल रहे थे, तभी पड़ोस की विमला आंटी चाय लेकर आ चुकी थी। नीता को विमला आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, पर अखिल और मम्मी हमेशा उनसे बहुत प्यार से बात करती थी। चाय पिलाने के बाद आंटी बोली, अखिल तुम अब कार खरीद लो, क्योंकि देखो तुम्हारी मम्मी और बच्चे कैसे बारिश में भीग कर आए हैं। मेरा अपूर्व तो कभी मुझे रिक्शे में भेजता ही नहीं, जब भी मैं उसके पास जाती हूँ हर समय गाड़ी लिए खड़ा रहता है और मैं हमेशा गाड़ी से ही जाती हूँ। वह तो चाहता ही नहीं कि हम यहां रहे, पर हम अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहते। नीता मन ही मन चिढ़ गई और सोचने लगी, इन्हें नहीं पता क्या कि अखिल पर कितनी जिम्मेदारियां है। अभी उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है, अभी वह गाड़ी कैसे खरीद सकता है। आंटी को समझाना बेकार था, वैसे भी वह हमेशा अपने बेटे और उसकी पत्नी की तारीफ के पुल बांधती रहती है कि वे कितने शिक्षित है, कितने पैसे वाले हैं, कितने संस्कारी हैं, बहू और पोता कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं तथा विमला आंटी का कितना सम्मान करते हैं। आंटी के बेटे बहू बेंगलुरु में किसी अच्छी कंपनी में मोटी तनख्वाह पा रहे थे। यहां पर अंकल और आंटी अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे थे। नीता ने अभी तक ना तो उनके बेटे बहू को देखा था और ना ही अंकल आंटी को उनके पास जाते देखा था, बस आंटी के मुंह से अपने बेटे बहू की तारीफें ही सुन रखी थी। आंटी ये भी नहीं सोचती थी कि उनकी बातों से अखिल को अपनी असमर्थता पर दुख हो सकता है। वह बिना कुछ सोचे लगातार ये जताती रहती थी कि अखिल अपने परिवार पर ठीक से खर्च नहीं करता। ऐसे ही समय बीतता गया और दिवाली का त्योहार आ गया। विमला आंटी ने जोर शोर से अनाउंस किया कि उनका बेटा अपूर्व परिवार सहित दिवाली मनाने आ रहा है। नीता ने सोचा, चलो अब इनके बेटे बहू को देखने का मौका मिलेगा, पर फिर उदास हो गई, क्योंकि आंटी के अनुसार बेटे बहू की इतनी अधिक कमाई है तो वह खर्च भी बहुत करेंगे तथा नीता के परिवार की दिवाली उनके सामने फीकी पड़ जाएगी। फिर ये सब सोचना छोड़कर त्योहार की तैयारी में लग गई। दिवाली वाले दिन सुबह अपूर्व अपने परिवार के सहित आ गया। वे अंदर चले गए, नीता उन्हें देख भी नहीं पाई। शाम को लक्ष्मी पूजा के बाद बाहर निकली ये देखने के लिए कि आंटी के घर में कितनी धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। बिजली की झालर जल रही थी और सन्नाटा था। थोड़ी देर में दो गाड़ियों में बैठकर कुछ स्त्री पुरुष आए, जो हल्की हंसी हंसते हुए इंग्लिश में बातचीत करते हुए अंदर चले गए। नीता और अखिल ने भी बच्चों के लिए थोड़े पटाखे जलाए, सब ने मिठाई खाई, एक साथ खाना खाया और रात के 12 बजे तक जागकर सो गए। सुबह नीता नहा धोकर तैयार हुई और सोचा कि आंटी के घर मिठाई ले जाऊं तथा उनकी बहू को देख आऊं। ये बात भी उसके मन में आई कि इतने पैसे वाले लोगों को ये मिठाई सस्ती ना लगे, पर बहू को देखने की उत्सुकता उसे उनके घर ले गई। आंटी ने दरवाजा खोला, नीता ने मिठाई देकर पूर्वी के लिए पूछा। आंटी बहू की इतनी ज्यादा प्रशंसा कर चुकी थी कि ये नहीं कह सकी कि बहू सो रही है। उन्होंने दरवाजा खटखटाकर बहू को बाहर बुलाया। पूर्वी छोटी सी नाइटी पहने बाहर निकली और गुस्से से बड़बड़ाती हुई बोली, रात भर रमी खेलते रहे, अभी तो सोए हैं और आपको चैन नहीं है, मुझे जगा दिया। आंटी पर घड़ों पानी पड़ गया। नीता भी शर्मिंदा हो गई। पूर्वी नीता को देखकर सॉरी कहकर अंदर चली गई। नीता चुपचाप चली आई, सोचने लगी, तो ये है आंटी की संस्कारी, शिक्षित, आज्ञाकारी बहू, जिसका बखान करके आंटी ने उसे कितनी बार ही ईर्ष्या से जला दिया है। उस दिन ना तो आंटी उनके घर आई और ना ही नीता के घर से कोई वहां गया। अगले दिन अपूर्व को लौटना था। नीता सुबह बालकनी में कपड़े फैलाने गई, तब सुना कि आंटी के घर में कोई गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है। छिपकर बात सुनना उसे पसंद नहीं था, पर आंटी की बात थी इसलिए सुनने लगी। ये समझ में आया कि अपूर्व कह रहा था कि इस मकान को फ्लैट बनाने वालों को बेच देते हैं, जब फ्लैट बन जाएंगे तब एक फ्लैट अंकल आंटी को रहने के लिए मिल जाएगा। फिर उसने पूर्वी से पूछा कि मम्मी पापा को अपने साथ ले चलते हैं जब तक फ्लैट नहीं बनता। पूर्वी उसे एक तरफ ले जाकर समझाने लगी
कि आप में व्यवहारिकता है या नहीं। इनको ले जाने से हमें गेस्ट रूम में रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बेडरूम नहीं है। साथ साथ अमन भी इनके साथ रहकर अपनी अंग्रेजी भूल कर देहाती बन जाएगा। ये लगातार तला भुना खाना खाने चाहेंगे जिससे या तो खाना अलग अलग बने या मेरा फिगर खराब होगा और तुम्हारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए ये तो सोचो ही मत। मैं इनकी रोक टोक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको यही कहीं किराए पर रहने के लिए मकान दिला दो जब तक फ्लैट नहीं मिलता। कहे तो वह अलग ले जाकर कर रही थी पर आवाज इतनी ऊंची थी कि नीता सहित आंटी अंकल ने भी सुन लिया। अंकल वैसे ही गंभीर स्वभाव के थे। वह बाहर आए और अपूर्व से बोले, मेरे रहते हुए ये घर नहीं बिकेगा। मुझे पेंशन मिलती है, हम दोनों का गुजारा हो जाता है। मैं नहीं भी रहूंगा तब भी तुम्हारी मम्मी को फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहेंगे। पहले भी हम तुम्हारे साथ कभी रहे हैं जो अब रहेंगे। आगे से चाहो तो यहां आओ या ना आओ, पर मकान बेचने की बात मत सोचना। आंटी रो पड़ी और बोली, मेरी तकदीर में बेटे बहू का सुख लिखा ही नहीं है, तभी तुम जैसे बेटे को जन्म दिया था। अंकल उनका कंधा थपथपाकर अंदर चले गए। थोड़ी देर में अपूर्व का परिवार मुंह फुलाए हुए अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। नीता को मन ही मन बहुत हंसी आई कि आंटी की पोल खुल गई। उनकी स्मार्ट अच्छी नौकरी वाली बहू कैसे बातें सुनाकर चली गई। जब देखो तब हम लोगों की आलोचना करती रहती थी और नीचा दिखाते रहती थी। हम भले ही अभाव में रहते हैं पर हमने अपनी मम्मी को सम्मान से रखा है। हम सब एक सूत्र में जुड़े हैं। जब वह अखिल और मम्मी को यह बताने गई तब पता चला कि उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। बीच में एक दीवार ही तो थी और वे सब बरामदे में बातें कर रहे थे। नीता के चेहरे पर खुशी का भाव देखकर मम्मी के चेहरे पर कुछ नाराजगी के भाव आई। फिर समझ गई कि नीता क्या कहना चाहती है। उसे प्यार से समझाकर बोली, नीता मैंने दुनिया देखी है, मैं पहले दिन ही समझ गई थी कि अपना दर्द छुपाने के लिए विमला बहन जी बड़ा चढ़ा कर बेटे बहू की तारीफ करती है। पर जरा सोचो, अगर उन्हें इससे थोड़ी खुशी मिल जाती है तो हमारी क्या हानि है। मुझे तो तुम दोनों से सम्मान मिल ही रहा है। तुम दोनों इतना ध्यान रखते हो, मैं पोते पोती के साथ खेलती हूं, मेरा समय कट जाता है, पर उनके पास क्या है, वही अकेलापन। इसलिए मैं उनकी बात काटती नहीं थी। अखिल भी ये बात समझता है, तुम भी उनकी बात का बुरा मत माना करो। नीता का मन भराया, उसे अपने विचारों पर शर्मिंदगी होने लगी। फिर वह बोली, मम्मी आज शाम को अंकल आंटी को चाय पर बुला लो। मम्मी खुश होकर बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, बुला लो। अखिल जाकर के अंकल आंटी को बुला लाई। दिवाली के बने व्यंजन तो थे ही। नीता ने चाय बना ली और सब मिलजुल कर हंसी मजाक करते हुए चाय पीने लगे। सब दोनों बच्चों से भी खेल रहे थे, आपस में भी बातें करते जा रहे थे। आज आंटी ने अपने बेटे बहू की तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा। जब वे चलने लगे तब आंटी नीता से बोली, बहू आज मैं सच बता रही हूं कि मुझे तुम्हारी सांस से बहुत जलन हो रही है। मुझे वह संसार की सबसे धनी महिला लग रही है क्योंकि उनके पास तुम जैसे बेटे बहू है। मम्मी बोली, बहन जी ये आपके भी बेटे बहू है, आज से दोनों परिवार मिलजुल कर रहेंगे, सभी त्योहार और खुशियां मिलकर मनाएंगे। आंटी आंखों में आंसू भरकर मम्मी के गले से लग गई। अंकल भी चश्मा साफ करने के बहाने आंसू पोंछ रहे थे। अखिल और नीता ने झुक कर तीनों के पांव छू लिए। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।